नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल एमबी नगर पुलिस ने सिटी अस्पताल के संचालक पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि अस्पताल संचालक ने 5 मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत बिल लगाकर 2,40,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान निरामे की कार्यपालक अधिकारी दिव्या पटेल की शिकायत पर केस रजिस्टर्ड कर प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से अनुबंधित विडाल टीपीए दल आयुष्मान योजना के अंतर्गत मिलने वाली लाभ की जांच कराई गई थी। जांच में एक खुलासा हुआ कि अस्पताल में केवल 18 मरीज भर्ती हैं, जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन दस्तावेजों के जरिए 5 मरीजों का बिल लगाकर 2,40,000 रुपए मध्य प्रदेश शासन से लिए गए। पुलिस ने जाँच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। सिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान से संबद्ध है और वहाँ पर आयुष्मान से संबंधित व्यक्तियों का उपचार हो रहा था, ऐसा रिपोर्ट हुआ था। इसमें आयुष्मान की जो संस्था है जो चेक करती है कि कौन कहाँ क्या भर्ती है, तो उस संस्था द्वारा जब चेक किया तो ऐसे 5 लोग वहाँ पर अनुपस्थित थे जिनका इलाज रद्द दिखाया जा रहा था। प्रथम दृष्टिया उनसे इसके संबंध में जानकारी चाही जो कि संतुष्टिजनक नहीं मिली, तो इस पर जाँच उपरांत कायमी की गई है। इसमें शिकायत नहीं थी, इसमें एक्चुअली जो भी मेडिक्लेम आयुष्मान के थ्रू मिलता है उसमें उपचाररत व्यक्तियों का बिल लगता है और फिर उसके हॉस्पिटल को उसका पेमेंट मिलता है जो शासकीय दर है उससे। तो इसमें चूंकि जो 5 व्यक्ति जो भर्ती ही नहीं थे उनका पेमेंट निकाला जा रहा था, तो ये आकस्मिक जो चेक किया गया उनकी संस्था है जो उनके द्वारा, तो उसमें ये ऐसा पाया गया कि अनुपस्थित थे, फिर भी उनका इलाज दिखा जा रहा है और इस संबंधित में फिर विभागीय पत्र आया जिसका हमने जांच उपरांत कायमी। कितना पैसा ले लिया था? अभी प्रथम दृष्टिया ये जो शिकायत है वो 2,40,000 रुपये की है और जांच कर रहे हैं। अगर और भी ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ के नाम पर भी ऐसा किया गया तो उसे शामिल किया गया। क्या 3 महीने तक इसकी पूरी जांच चली थी? नहीं, विभागीय रूप से उन्हें आकस्मिक चेक किया गया, जो नहीं पाए गए उन्हें फिर पुलिस को प्रतिवेदन भेजा कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें अपराध कायम की जाए। पुलिस ने जाँच करी जिसमें उन 5 व्यक्तियों को संपर्क किया गया जो वहाँ पर भर्ती दिखाए गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पर चेक नहीं थे, तो उससे फिर जो प्रथम दृष्टिया है आरोपी उसमें बनाया गया और अपराध कायमी की गई। जो 5 व्यक्ति थे जिनको इलाज के लिए बताया जा रहा था, क्या इसमें संलिप्तता उनकी पाई जा रही है क्या? नहीं, उन वो पहले वो अनभिज्ञ थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने फर्स्ट टाइम उनको कॉल किया तो वो अनभिज्ञ थे, उनको इसकी जानकारी ही नहीं थी, तो इसलिए संलिप्तता तो नहीं पाई जा रही है और बारीकी से अब विवेचना की जा रही है, तो विवेचना उपरांत जैसे भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।